Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAC program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए. हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे. और तो और, हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टूडे. क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं. इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा. और इस सबका फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सबको बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ. हाय देयर, इस वीडियो में मैं रेशियोज का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा. इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ अ होल. तो बेसिकली जब रेशियो पे क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार ये क्वेश्चंस जो है एक डिविजन करते हैं टोटल का, है ना. तो कई बार पाई चार्ट में अगर आप डीआई का क्वेश्चन देख रहे हैं तो पाई चार्ट दिया होगा, या अगर आप नॉर्मल भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2:3:5 किसी टोटल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स मेंशन होंगे और वो पार्ट्स जो है रेशियो फॉर्म में दिए होंगे, है ना. तो अगर आप उनमें से टोटल पार्ट में से किसी एक पार्ट का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, है ना, तो इस सिनारियो को हम रेशियो विद इन अ होल कहते हैं कि आपको एक टोटल वैल्यू का स्प्लिट इनटू मल्टीपल एंटिटीज दिया हुआ है इन रेशियो टर्म्स. तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक फ्रैक्शन यूज करेंगे कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ होल, और इस फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर में डालेंगे कि भाई किसको आप मेजर करना चाहते हो, आप किसका वैल्यू निकालना चाहते हो, वो रेशियो में कितने पार्ट्स इंक्लूड कर रहा है और टोटल पार्ट्स रेशियो में कितने हैं, है ना. तो वो फ्रैक्शन आप यूज करेंगे, है ना. और इसको यूज कैसे करेंगे? पार्ट्स ऑफ अ होल कहते हैं कि जो हम मेजर कर रहे हैं उसके कितने पार्ट्स हैं और टोटल के कितने पार्ट्स हैं, इन दोनों चीजों को मेजर करना है. बट इसको यूज तब करना जब टोटल दिया हो प्रॉब्लम में, है ना. या तो वैल्यू दी हो या आपने मान लीजिए एक्स या वाई अज्यूम किया है और इसी टोटल के बेसिस पे एक रेशियो दिया है क्वेश्चन में, है ना. तो 2:3:5 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, है ना. तो मुझे पता है कि यही अगर तीन स्ट्रीम्स है तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस अगर मुझे 2:3:5 रेशियो में दिया हुआ है तो आर्ट्स कॉमर्स या साइंस का वैल्यू निकालने के लिए हम पार्ट्स ऑफ अ होल निकालेंगे, विच इज इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल और लेता हूं. सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और इसमें मुझे मेल और फीमेल्स का रेशियो दिया हुआ है. तो गोज विदाउट सेइंग कि यार मेल और फीमेल के अलावा हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि देयर इज नो थर्ड जेंडर. तो इफ ऑल स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेल और फीमेल एंड द रेशियो इज 5:7 हाउ मेनी फीमेल्स आता है. तो नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है तो याद रखिए प्रोसेस ये रहेगा कि हमें फीमेल्स मेजर करने हैं. यहाँ पे फीमेल्स कितने पार्ट्स हैं? 5:7 में फीमेल्स आर 7 पार्ट्स, है ना. और मुझे टोटल दिया हुआ है 60 स्टूडेंट्स, पर टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे? 7+5 12 पार्ट्स हैं. तो हम बोलेंगे कि 7 out of 12 पार्ट्स आर फीमेल, 5 out of 12 पार्ट्स आर मेल. तो इसको हम यूज कैसे करेंगे कि 7/12 ऑफ द टोटल विल बी मेल एंड will be female and 5/12 of the total will be male. तो यहाँ पे क्योंकि females मांगा गया है तो हम 7/12 × 60 करेंगे. Obviously 12 × 5 = 60. Simplify होके बड़े आराम से ये 35 का वैल्यू मिल जाएगा आपको. एक इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन को आप बिना पार्ट्स ऑफ अ होल के भी कर सकते हो. अगर आप मान लीजिए रेशियो अज्यूम कर लेते हैं, रेशियो से अगर आप वेरिएबल्स अज्यूम करते 5n and 7n, तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते थे कि 12n = 60, which means n should be 5, and this will tell me that the number of females will be 7 × 5 = 35. But the thing is कि इसमें दो तीन steps involved. अगर directly आप करना चाहते हैं कि ratio से value मिल जाए या percentage मिल जाए, तो आप directly parts of a whole use कर सकते हैं कि भाई 7 out of 12 in 60, right? So that ratio will, that fraction will directly help you to get the answer. चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस में. पहला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी टुगेदर हैव 1200 रुपीस, है ना. बट इन दोनों के बीच का एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है. 5/6 ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब या तो इक्वल टू साइन आ जाएगा इसकी जगह, इज इक्वल टू, राइट, ए इज अमाउंट 5/6, तो 5/6 × a इज इक्वल टू 5/2 × b, है ना. तो ये इक्वेशन दी हुई है
तो ऑब्वियसली बात है, इन इस इक्वेशन से मुझे ए और बी का रेशियो मिल जाएगा, है ना। तो ए इज इक्वल टू 3b आ रहा है, मतलब ए बाई बी इज 3:1, है ना। तो इमीडिएटली मैं सोच सकता हूँ कि अगर टोटल का टोटल 1200 रुपए अगर ए और बी में स्प्लिट हो रहा है, तो ए को मिल रहा है 3 पार्ट्स, बी को मिल रहा है 1 पार्ट, मतलब ए को मिल रहा है 3/4 और बी को मिल रहा है 1/4, है ना। पार्ट्स ऑफ अ होल का बेनिफिट ये है कि आप विजुअलाइज आराम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन बोला कि भाई बी को कितने मिल रहे हैं, तो बी गेट्स 1/4 ऑफ द टोटल, तो 1 out of 4 parts in 1200, 1/4 of 1200 is 300 rupees, है ना। बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल राइट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 3 फ्रेंड्स इन द रेशियो 3:5:2। अगर वैल्यू की जगह अगर हमें परसेंटेज शेयर मांगा जाए, तो भी हम इसको सेम अप्रोच से कर सकते हैं कि बोनो को यहाँ पे 3:5:2 में बोनो को मिल रहे हैं 5 पार्ट्स, या बोनो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 5 पार्ट्स, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना चाहिए हमें, 3 + 5 + 2 इज 10 पार्ट्स। तो 10 पार्ट्स में से बोनो दे रहा है 5 पार्ट्स, सो व्हाट परसेंटेज शेयर इज ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वेल ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5 out of 10 इन 100%। तो टोटल डालने की जगह आप परसेंटेज शेयर के लिए इनटू 100% अगर आप करते हैं, तो आप डायरेक्टली मिल जाएगा आपको 1/2 of 100 इज 50%। सो बोनो को मिल रहे हैं 50%, 50% ऑफ द टोटल मनी, टोटल मनी अगर 3,000 है, तो 50% ऑफ दैट विल बी 1500, है ना। तो ये बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक इलस्ट्रेशन इस क्वेश्चन से यही है कि अगर पार्ट्स ऑफ अ होल यूज कर रहे हो, तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हो किसी एक पार्ट का, या उस पार्ट को इन परसेंटेज टर्म्स भी डिटरमिन कर सकते हो आप, है ना। याद रखिएगा ये मेथड। एक और इलस्ट्रेशन करेंगे बिफोर यू नो बिफोर यू आई थिंक गेट अ बेस्ट हैंग ऑफ दिस अप्रोच। देखिए क्वेश्चन कि 4 दोस्त हैं, वो एक बाइक खरीदते हैं 60,000 रुपए, $60 दे के खरीदते हैं, महंगी बाइक होगी, मे बी हार्ले डेविडसन। मयंक ने जो है 1/2 of the sum of, इंपॉर्टेंट है वर्ड्स यहाँ पे, हाफ ऑफ व्हाट, द सम ऑफ अमाउंट्स पेड बाय द अदर बॉयज, है ना। तो मतलब जो रेशियो दिया हुआ है वो मयंक का कंट्रीब्यूशन और बाकी दोस्तों के कंट्रीब्यूशन का रेशियो है। तो 1/2 मतलब 1:2, और 1:2 होगा मयंक का कंट्रीब्यूशन और बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन, है ना। बट मयंक और बाकी मतलब ये टोटल में ही स्प्लिट हो रहा है ना ये, तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे एक ख्याल आ सकता है कि भाई टोटल को मैं मयंक और बाकियों में काट, अगर मैं बांटू, तो मयंक को 1 पार्ट और बाकियों को 2 पार्ट देने होंगे। मतलब मयंक कितने, व्हाट फ्रैक्शन इज ही पेइंग, इज पेइंग 1 out of 3, सो मयंक पेड 1/3 of 60,000। तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि मयंक ने $20,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, राइट। सिमिलरली अगर आप अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मिर्जा पेड 1/3 of the sum of the amounts पेड बाय द रिमेनिंग, तो बाकी दोस्तों और मिर्जा का रेशियो दिया हुआ है 1:3, मतलब मिर्जा ने 1 रुपए दिए, तो बाकियों ने 3 रुपए दिए, विच मीन्स 4 पार्ट्स में मिर्जा ने 1 रुपी दिया है, 1 पार्ट दिया है। तो 1/4 of the total विल गिव मी द आंसर, विल गिव मी द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिर्जा। तो 1/4 of 60,000 ये डायरेक्टली आ जाएगा 15,000 रुपीज, $15,000 राधा। इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं, तीसरा मेंबर लिटिल का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ही पेज 1/4 of the sum of amounts paid by the other boys। अगेन देखेंगे सारे रेशियोज एक आदमी वर्सेस रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वही लॉजिक लगाएंगे, लिटिल और बाकी दोस्तों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसका रेशियो 1:4 है, मतलब टोटल 5 पार्ट्स में से लिटिल ने 1 पार्ट दिए, बाकियों ने 4 पार्ट्स दिए, तो इमीडिएटली 1/5 का फ्रैक्शन यूज होगा पार्ट ऑफ अ होल। क्लियरली लिटिल पेड 1/5, द रिमेनिंग गाइस पेड 4/5, तो लिटिल पेड 1/5 ऑफ द टोटल, 1/5 of 60,000, ये डायरेक्टली 12,000 रुपीज या $12,000 आ जाएगा। तो अब 3 लोगों का शेयर मिल गया, तो चौथे चौथे मेंबर का शेयर सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। सो 60,000 में से 20, 15 और 12 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बाकी का जो 13,000 बचता है, दैट इज वॉट जसपाल इज गोइंग टू पे। सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी $13,000 या 13,000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन वॉट वेरिएबल, वॉट करेंसी इज गिवन इन द प्रॉब्लम। चलिए, आई होप इससे आपको समझ में आया है, ये फंडा काफी यूजफुल है, डीआई में बहुत आपके काम आएगा। और डीआई के सेक्शन से बात याद आई कि हमारे टेस्ट सीरीज जो है, जरूर ट्राई कीजिए, एक मॉक टेस्ट फ्री में आपको एक्सेस मिलेगा। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक यू नो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और क्लिक करते ही आपको टेस्ट का, एक मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलेगा। बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, जो हम वीडियोज हम बना रहे हैं, इन सब वीडियोज का प्रैक्टिस एक्सरसाइज एज वेल एज डिटेल्ड डिस्कशन का वीडियो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। बट एक्सरसाइज और टेस्ट एक्सेस करने के लिए आपको
लिंक पे जाकर के, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के साइन अप करेंगे तो आपको इस सबका एक्सेस मिलेगा। आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू ट्राई द एक्सरसाइज, ट्राई द क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड देन कम सी इफ आर मेथड्स आर यूजफुल एंड हेल्प यू गेट द आंसर बेटर और क्विकर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।